नीतीश सरकार पर ओवैसी का हमला, बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और साथ ही बड़ी खबर ये कि यूपी के बाद बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। ओवैसी ने यह आरोप लगाया है, बिहार में एआईएमआईएम नेता की हत्या पर बोले हैं ओवैसी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही अभी, और ये मैं नहीं, आप एनसीआरबी का 2022 का डेटा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा मर्डर कहीं पर हुए तो बिहार में हुए हैं। हर तरह के क्राइम वहां पर हो रहे हैं और वहां की जो सरकार है, मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, ये दोनों, ये जो लॉलेसनेस हो रहा है उसको रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आप देखिए कि आरिफ जमाल को उसकी औलाद के सामने मार देना, ये बताइए कितनी बुरी बात है, और अब तक आप उन खातिलों को नहीं पकड़ते हैं। नवंबर में समस्तीपुर में एक ही घर है भगीरथपुर गांव में मुसलमान का, उसको डराकर घर को जलाकर उसको भगा दिए, पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने में नाकाम हुई। जुलाई 2023 में पुलिस खुर्शीद आलम को, सोनी कुमार शाह को, जो बिजली नहीं आ रही थी कटिहार में गोली मारकर उनको मार दिया। जून 2023 में मोहम्मद जहीरुद्दीन, एक 55 साल का ट्रक ड्राइवर था, उसको सारण में मॉब लिंच कर दिया गया।